हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एमसीक्यूज के बारे में। और इस पार्टिकुलरली वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है पाइथन का एमसीक्यूज जो रिलेटेड है पाइथन के लिस्ट टॉपिक से, ट्यूपल से, डिक्शनरी से और स्ट्रिंग से। मतलब इन चार टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये पाइथन का एमसीक्यू सीरीज है और इसमें इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो लेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस फ्रॉम लिस्ट टॉपिक, फ्रॉम ट्यूपल, फ्रॉम डिक्शनरी एंड फ्रॉम स्ट्रिंग टॉपिक ऑफ पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आपसे बोलूंगा कि लगभग 50+ में क्वेश्चंस है और जितने भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में, आप देखिए क्वेश्चन तो खैर आपको सॉल्यूशन के साथ मैंने दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन भी यहाँ पे है और सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपको टोटल कितने मार्क्स आए आउट ऑफ, सपोज कि अगर 55 है तो टोटल 55 में आपने कितने मार्क्स किए ऑप्टेन, ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जरूर पिन कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना मैसेज डालिएगा कि सर मेरे को इतने इतने मार्क्स आए हैं, सो दैट मुझे भी पता चले कि बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पाइथन के एमसीक्यू सीरीज को। और पहला क्वेश्चन जो है मेरा ये है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का क्या आउटपुट होगा आपका, ये है क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपको खुद से देखना है, खुद से करना है, पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस वीडियो को करना है पॉज और अपने से आउटपुट निकालना है और फिर ये मैच करना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर सही है या नहीं है, उसके बाद खुद को मार्किंग देते चली जानी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से जवाब सोचिए और फिर देखिए जो मैंने जवाब बताया क्या वो आपका जवाब सही है, खुद को मार्क्स देते चले जाइए और लास्ट में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने मार्क्स टोटल आए हैं। चलिए सो पहला ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है कि इंडेक्सिंग जब हम करते हैं, कोई भी लिस्ट बनाते हैं, तो हमारी जो इंडेक्सिंग बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, 5, 10, 15, 20 और 25 होता है एलिमेंट्स, ठीक है। इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 होती है। और के की वैल्यू कितने पे सेट करते हैं, के को 1 पे सेट करते हैं। और आई में क्या डालते हैं, ए का 1, तो ए का 1 क्या है 10, तो आई में क्या डालेंगे 10+1 दैट मींस 11, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। जे में क्या डाल रहे हैं, ए का 2+1, तो जे में क्या डाल रहे हैं ए का 2, ए का 2 क्या है 15, ठीक है। और प्लस क्या 1, तो 15+1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि जे में कितना चला गया 16 चला गया। एम में क्या डाल रहे हैं, ए का k+1, देखिए बच्चा यहाँ पे क्या होगा k+1 पहले इवेल्युएट होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो k में कितना है 1, तो 1+1 कितना हो गया 2, यानी कि यूं कहिए कि हम कह रहे हैं m में जो है क्या डालिए a का 2 डालिए, तो a का 2 2 इज व्हाट 15, सो 15 आ गया। तो अगर हम प्रिंट करते हैं i को, j को और m को, तो i की वैल्यू 11, j की वैल्यू 16, m की वैल्यू 15, तो 11, 16 एंड 15, सो b इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो अगर आपको सही, वो आपने जो सोचा वो सही था, तो आप अपने आप को एक मार्क दे देंगे और ऐसे हर क्वेश्चन में करते चलेंगे। सो नाउ दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि AL नाम की जो लिस्ट है वो ये है और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिमूव्स द मिडिल एलिमेंट 3, यानी मिडिल एलिमेंट 3 इसको हटाना है, इसे मुझे हटा देना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस मिडिल एलिमेंट जो है 3 को हटा देगा, डेल ए का 2, डेल दिस वन, डेल दिस वन, डेल दिस वन व्हाट सो एवर, और नन नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर देखिए है क्या, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से है ई, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमने लिस्ट का नाम यहाँ क्या दिया है, AL दिया है, और यहाँ पे हमने हमेशा ए यूज किया है बच्चा, कहीं AL है ही नहीं। तो AL नाम के लिस्ट को अगर मुझे उसमें से कुछ डाटा डिलीट करना है तो मुझे AL नाम ही यूज करना पड़ेगा, ना कि A यूज करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन में AL है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि इस लिस्ट को मैंने नाम A दे दिया, तब क्या होगा, तब देखिए। अभी अगर आपने नन ऑफ द अबव नहीं दिया तो आप ट्रिकी है, आप इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं। ए में 1, 2, 3, 4 और 5 दिया, मान लीजिए अब लिस्ट का नाम मैंने अगर ए कर दिया तो इसका राइट आंसर उस केस में होगा ये वाला, डेल ए का 2, क्योंकि इंडेक्सिंग में क्या होगा ये 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और 4, तो जब हम कहेंगे डेल कर दो ए के 2 को, तो ये क्या करेगा 3 को डिलीट कर देगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर था ई, लेकिन अगर हम लिस्ट का नाम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपने ए कर दिया तो फिर राइट आंसर ये है। मुझे पता है 90% बच्चे जो है वो यही आंसर देंगे और फंसेंगे।
नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट. स्ट्रिंग वन में माई डालता है, स्ट्रिंग टू में वर्क डालता है और कहता है प्रिंट कर दो स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू डॉट अपर. तो प्लस क्या करता है, ये कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर होता है. प्लस इज व्हाट, इट इज कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर. ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट करने का काम करता है. तो स्ट्रिंग वन में माई है और स्ट्रिंग टू को अपर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा, है ना. तो माई स्मॉल में और वर्क कैपिटल में, वो भी एक साथ प्लस में जब हम करते हैं तो कोई इसमें स्पेस नहीं आता है. सो सी विल बी द राइट आंसर, माई वर्क. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये आपको कोड है 1, 2, 3, 9, 5, 6 और 7. कहता है प्रिंट कर दो ए का 1 से लेके 4 तक. तो एग्जैक्टली इसने कहा 1 से लेके 3 तक, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू देता है वो तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है. तो 1 से लेके 3 तक कहता है प्रिंट करना है. ठीक है, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है. और -2 से पढ़ना है. तो 1 से अगर हम -2 पे जाएंगे तो ये तो 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा. ये तो उल्टा जा रहा है, ये 3 कभी पहुंच ही नहीं पाएगा. मतलब ये स्लाइसिंग गलत है. और इन केस जब स्लाइसिंग गलत होती है तो वो एरर नहीं देता है बच्चा, वो क्या करता है, वो ब्लैंक लिस्ट देता है. ब्लैंक लिस्ट मतलब इस स्लाइसिंग का यूज करके वो कोई एलिमेंट निकाल ही नहीं पाया. सो एरर इज नॉट द आंसर, आंसर इज इट विल गिव अस अ ब्लैंक लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. देखिए मैक्सिमम लिस्ट के कॉन्सेप्ट में आउटपुट बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं. ए इक्वल टू दिस थिंग, अब कहता है ए डॉट रिमूव 1. तो ए डॉट रिमूव यानी इस ए में से 1 को रिमूव करना है. तो आपको पता है रिमूव फंक्शन किसी दिए गए एलिमेंट को उस लिस्ट से रिमूव करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को. फर्स्ट ऑकरेंस मतलब ये 1 जहां भी पहली बार मिल जाएगा, यहीं पे इसको पहली बार मिल गया ना, खत्म. बाकी ये बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा. सो 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और लास्ट में 4 और 1 भी होगा. तो 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4 और 1. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो मतलब रिमूव फंक्शन दिए गए एलिमेंट के फर्स्ट ऑकरेंस को उस लिस्ट से क्या करता है, हटाता है सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को, यानी सिर्फ पहली बार वो कहां जहां आया है वहीं पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. कहता है ए में अगर ये क्या है, ट्यूपल बच्चा, ये तो पहली बात है. ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट जो होता है वो किस लिए होता है. दिस ब्रैकेट इज फॉर लिस्ट, दिस ब्रैकेट इज फॉर ट्यूपल, दिस ब्रैकेट इज फॉर व्हाट, डिक्शनरी, एंड दिस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इज फॉर व्हाट, स्ट्रिंग्स, राइट. सो कहता है कि अगर ए में ये है तो ए ए ए क्या होगा. तो देखिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दे दीजिए और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए. और यहाँ ए के बदले क्या रेप्लीकेट की जगह, पूरा. तो इन ब्रैकेट 1, 2, 3, फिर से कॉमा, फिर से दोबारा ए, 1, 2, 3, फिर से कॉमा, फिर से तिबारा है तीसरी बार 1, 2, 3. ठीक है, तो देखिए एक बार ये ट्यूपल ओपन हुआ और ये दूसरी बार ट्यूपल जो ओपन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड ट्यूपल. यानी कि ट्यूपल इनसाइड ट्यूपल इज कॉल्ड व्हाट, नेस्टेड ट्यूपल. सो नेस्टेड ट्यूपल इज द राइट आंसर, राइट. सो ये क्या है, एक नेस्टेड ट्यूपल है. ठीक है, नाउ सेवेंथ क्या होता है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ए इक्वल टू अक्षत, मान लीजिए ए में जो है हमारा क्या आ गया, अक्षत आ गया. ठीक है, तो देखिए ए के एस एच ए और टी, अक्षत आ गया. इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. और यहां देखिए प्रिंट करते हैं हम ए को, स्टार्टिंग नहीं देते हैं, स्लाइसिंग है. स्टार्ट नहीं दिया हमने, एंड नहीं दिया, सिर्फ स्टेप वैल्यू दिया. तो जब हमने स्टेप वैल्यू -1 दिया तो पाइथन खुद इतना समझदार होता है कि वो समझ जाता है कि यूजर जो है वो माइनस इंडेक्सिंग को यूज करना चाहता है, इसलिए माइनस इंडेक्सिंग हम यहाँ करते हैं. और कहता है हर बार -1 से स्टार्ट करो. देखो इसने क्या प्रिंट किया, इसने किया ऐसे प्रिंट ए, आपको स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया, आपको एंड वैल्यू नहीं दिया, आपको सिर्फ स्टेप वैल्यू दिया. तो जिस केस में स्टार्ट वैल्यू भी नहीं है, स्टेप वैल्यू भी नहीं है, सॉरी स्टार्ट वैल्यू भी नहीं है, एंड वैल्यू भी नहीं है, और स्टेप वैल्यू दिया हुआ है वो भी नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है, जब नेगेटिव में स्टेप वैल्यू दिया इसका मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा क्या, -1. ऑटोमेटिकली एंड वैल्यू हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, यानी जब तक लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचता है, और फिर जो है वो स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगा, -1. तो इसका मतलब है पहले -1 वाला डेटा निकलेगा टी, फिर -2 वाला निकलेगा ए, फिर -3 वाला निकलेगा एच, और ऐसे ही निकलेगा. तो जब बेसिकली जब ये प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट होगा तो ये पूरा उल्टा निकाल देगा. तो अक्षर का जो उल्टा होगा टी ए एच,
TH, फिर S, फिर K एंड फिर A, बिल्कुल। सो सेवेंथ का D इज द राइट ऑप्शन। मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हमें किसी भी चीज का, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो कोई भी लिस्ट हो, अगर ए एक लिस्ट भी होता तो भी ये स्टेटमेंट उस लिस्ट को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देता। ये था हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। कहता है ए में मान लीजिए हमने ये डाला, ठीक है, स्ट्रिंग डाला है, ये स्ट्रिंग है। और कहता है ए को रिप्लेस कीजिए, जहां जहां वन था वहां कुछ मत डालिए, ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट सिंगल कोट्स ऑन किया और सिंगल कोट्स क्लोज कर दिया, सिंगल कोट्स ओपन किया और सिंगल कोट्स क्लोज कर दिया। इसका मतलब आप वहां कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं। तो कहता है वन जहां जहां है वहां वहां उसको कुछ मत डालो, यानी वन को हटा दो एक तरह से। तो इस स्ट्रिंग से वन हट जाएगा और जो वन हटने के बाद वैल्यू होगी सिर्फ टू, और टू ही तो होगी क्योंकि ये भी वन है, ये हट जाएगा, ये भी वन है, ये भी हट जाएगा, ये भी वन है, हट जाएगा। बी में सिर्फ 22 हो जाएगा, मतलब टू टू। तो बी में क्या आ जाएगा, टू टू। और द राइट ऑप्शन दैट्स फॉर इट विल बी व्हाट, सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑफ व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो। आपने एल इक्वल टू दिस माना, आपने ना ही ये ब्रैकेट यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट, ना ही आपने ये पैरेंथेसिस यूज किया, ना ही आपने ये कर्ली ब्रैसेस यूज किया, ना ही आपने सिंगल कोट्स यूज किया, ना ही आपने डबल कोट्स यूज किया। तो भैया ये डेटा टाइप है क्या। तो जब हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ब्रैकेट, तो वो ऑटोमेटिकली जो बनाता है वो क्या बनाता है, ट्यूपल बनाता है। तो दिस इज ट्यूपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक डिक्शनरी बनाया, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बनाता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो बना उसमें क्या बना, ये बना। देखिए पहली वैल्यू जो होती है वो की होती है, तो 5 इज द की एंड वैल्यू इन साइड दैट की इज 4। 8 इज द की एंड द वैल्यू इन साइड इज ऑल्सो 8। की इज वॉट, 3, एंड द वैल्यू इन साइड इज वॉट, 16। और 9 इज द की और 32 इज द वैल्यू। आप कहते हैं प्रिंट करो शॉर्टेड एक्स डॉट आइटम्स। देखो बच्चा ये एक्स डॉट आइटम्स जो होता है ना, तो एक्स डॉट आइटम्स मतलब हम एक्स के इंडेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, कीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक्स आपने बनाया है उसके कीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इसके की को शॉर्ट करेंगे ना, ये कह रहा है कि की को शॉर्ट करो, तो की को शॉर्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा, 8, और फिर क्या आएगा, 9। तो 3 का रेस्पेक्टिव वैल्यू 16, 5 का रेस्पेक्टिव वैल्यू 4, 8 का रेस्पेक्टिव वैल्यू 8, और 9 का रेस्पेक्टिव वैल्यू 32। सो अगर शॉर्ट करके हम प्रिंट करेंगे कीज के बेस पे तो ये प्रिंट होगा। और जो भी आंसर हो, देख लीजिए, 3 का 16, 5 का 4, 8 का 8 और 9 का 32। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द स्टेटमेंट डिल एल और इन ब्रैकेट 1 एंड कोलोन 3। तो यानी कि ये 1 से लेके कहां तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा, बल्कि कहां तक जाएगा, एक कम तक, 2 तक जाएगा, यानी 1 से लेके 2 तक जाएगा। तो क्या करता है इसमें से ये, डज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, इसमें से ये कौन सा काम करता है। तो देखिए अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड लाइक दैट। तो ये 1 इंडेक्स है, याद रखिएगा, दिस यहां पे जो हम बातें करते हैं वो हमेशा इंडेक्स की बातें करते हैं। सो 1 क्या है, इंडेक्स है ना। तो 1 इंडेक्स से लेके 2 तक जाएगा। तो जब 1 से लेके 2 तक जाएगा तो अब स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है डिलीट एलिमेंट्स 2 टू 4 फ्रॉम द लिस्ट। 2 टू 4 नहीं, 2 टू 4 का मतलब ही नहीं बनता है। डिलीट सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो देखिए जब हम नॉर्मल करते हैं काउंटिंग, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट होता है। तो ये 1 और 2 को ही तो डिलीट कर रहा है, तो ये सेकेंड एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या करेगा, सेकेंड एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को हमारे लिस्ट से डिलीट कर देगा। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मिस सानवी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है, सी वॉन्ट्स टू डिस्प्ले लास्ट 4 कैरेक्टर्स। तो मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसमें मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का नाम इन्होंने एस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस है। तो मान लीजिए एस में यूजर ने दिया है रामचंद्र, कुछ भी दे सकते हैं, RAMCHANDR और A, ठीक है। अब ये देखिए इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कहता है कि लास्ट के 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं मुझे इसके, यानी कि NDRA प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, क्या मतलब कह सकते हैं कि ऐसा क्या स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये सारा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है, कौन सी स्लाइसिंग टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसकी बैकवर्ड इंडेक्स करें तो ये -1 है,
ये -2 है, ये -3 है, और ये क्या है, -4 है। सो -4 से स्टार्ट करते हुए अगर हम सारा प्रिंट कर दें तो नहीं हो जाएगा मेरा, तो यही तो है। देखिए सी कहता है एस -4 से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद उसने कुछ दिया ही नहीं, यानी -4 से स्टार्ट होकर बताया नहीं कहां तक जाना है। तो -4 से स्टार्ट होते हुए आगे तक बढ़ेगा, क्यों आगे तक बढ़ेगा, क्योंकि इसने ना ही एंड वैल्यू दिया है और ना ही इसने स्टेप वैल्यू दिया है। तो जब स्टेप वैल्यू नहीं देता है तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1। तो इन केस जब स्टेप वैल्यू हमारा +1 है तो -4 से क्या होगा, 3, -3 से क्या होगा, -2, -2 से क्या होगा, -1। सो एन डी आर और ए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज इम्यूटेबल बेसिक डेटा टाइप, इनमें से कौन सा जो इम्यूटेबल है, यानी कि जिसमें आप वैल्यू एक बार डाल देंगे वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है वो चीज जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, इंटीजर भी होता है, लिस्ट भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, यानी स्ट्रिंग में जो एक बार चीज आप वैल्यू डाल देंगे वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ ए एंड बी आर स्ट्रिंग्स, यानी ए एंड बी क्या है, स्ट्रिंग्स हैं अगर, ठीक है, नॉट ए एंड बी, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस वाई, यानी कहता है कि एक्स और वाई स्ट्रिंग है, तो लेट एक्स में जो है वो राम हो जाए, ठीक है, और वाई में जो है वो कुमार हो जाए। एक्स में राम हो गया और वाई में क्या हो गया, कुमार हो गया। अब कहता है कि एक्स प्लस वाई जो है, यानी कि अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इनमें से ये, इन चारों में से किसके ये इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए जब हम x प्लस वाई करेंगे तो ये बेसिकली जो इक्विवेलेंट होगा वो ये ऐसा बना देगा, राम और क्या बना देगा, कुमार, यानी दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट एक पार्ट बन जाएंगे। और ऐसा बनाने के लिए हम b वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ऐसे भी लिख देंगे तो भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेम यही आउटपुट आएगा, पहला एलिमेंट राम बन जाएगा, यानी एक लिस्ट बन जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज राम और कुमार आ जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आउटपुट डिस्प्लेड बाय द प्रिंट फंक्शन, यानी प्रिंट फंक्शन जो आउटपुट डिस्प्ले करता है विल ऐड दिस इनविजिबल कैरेक्टर एट द एंड। तो आपको पता है प्रिंट फंक्शन जब भी कोई भी चीज प्रिंट करता है हमेशा एक नए लाइन में प्रिंट करता है, इसीलिए स्लैश एन विल बी द राइट आंसर, यानी कि हर बार जो भी ये प्रिंट करता है वो एक नए लाइन में प्रिंट करता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस टू प्रिंट फंक्शन विल डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय दिस डिफॉल्ट। मतलब मान लीजिए हम यहां कहते हैं प्रिंट, हम यहां कहते हैं राम, ठीक है, फिर कहते हैं कॉमा श्याम, फिर कहते हैं सीता। तो इस तरीके से अगर हम कुछ मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करें कॉमा कॉमा देके, तो ये कैसे प्रिंट करेगा। तो जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में एक ही बार में मल्टीपल वैल्यूज देते हैं तो हर वैल्यूज यानी हर कॉमा के लिए वो ऑटोमेटिक एक स्पेस दे देता है, यानी कि राम के बाद स्पेस देगा श्याम प्रिंट करेगा, श्याम के बाद स्पेस देगा और सीता प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये आएगा सिंगल स्पेस। सो 16 का आंसर होगा ए, हर बार ये एक सिंगल स्पेस देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन एक्सक्लामेशन कैरेक्टर एज एन अल्टरनेटिव सेपरेटर फॉर प्रिंट फंक्शन, यानी प्रिंट फंक्शन जो आप यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी बताया ना हमने कि प्रिंट फंक्शन जो है वो हमेशा सेपरेट जो करता है एक यहाँ क्या डालता है, स्पेस डालता है, ब्लैंक स्पेस डालता है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं ब्लैंक स्पेस नहीं डालें, कुछ दूसरा कुछ डालें, तो उसके लिए सेप कीवर्ड होता है। आपने कहा सेपरेटर क्या डाल दो, एक्सक्लामेशन, तो हर चीज को प्रिंट करने के बाद सेपरेटर में वो क्या डाल देगा, एक्सक्लामेशन, यानी कि राम के बाद एक्सक्लामेशन, फिर श्याम, फिर एक्सक्लामेशन और फिर क्या, सीता। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर व्हेन यू विल बी प्रिंट यूजिंग सेप इक्वल टू। कैसे आप प्रिंट करोगे इसको, ऐसे प्रिंट राम, ठीक है, कॉमा श्याम, ठीक है, कॉमा सीता, और फिर लास्ट में यहां लिख दोगे सेप इक्वल टू सिंगल कोट्स में एक्सक्लामेशन, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड अ स्टार कैरेक्टर एज एन अल्टरनेटिव लाइन एंडिंग। तो लाइन एंडिंग का मतलब क्या हुआ, आप प्रिंट राम करते हो, है ना, और फिर अगले लाइन में क्या करते हो, प्रिंट श्याम करते हो। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है हर बार अपने आप किसी भी चीज को क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले राम आएगा, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, श्याम आएगा, पहले राम एंड देन वॉट, श्याम। तो ये बार अपने आप
प्रिंट स्टेटमेंट ने राम प्रिंट करके अगले लाइन में श्याम को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। आप कहते हैं नहीं, मुझे जो है वो स्टार चाहिए, यानी मुझे राम के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, मुझे राम के बाद स्टार चाहिए। तो आप यहाँ क्या लोगे, एंड इक्वल टू स्टार, यानी कि अब जब आप एंड इक्वल टू स्टार कर दोगे यहाँ पे, यानी प्रिंट राम और कॉमा यहीं पे लिख दोगे, कॉमा देखे एंड इक्वल टू स्टार, तो क्या होगा, अब आपका आउटपुट ये नहीं आएगा, अब आपका आउटपुट आएगा राम, वहां पे लिखा उसके बगल में स्टार, और फिर क्या आएगा श्याम। तो एंड इक्वल टू स्टार मतलब एंडिंग कैसे करनी है आपको, तो राम को प्रिंट करने के बाद स्लैश एंड यानी न्यू लाइन नहीं करना है बल्कि स्टार दे देना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फॉर विच टाइप ऑफ एरर। आप देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर हॉल्ट एंड रिपोर्ट द एरर, यानी कि किस तरह के एरर के लिए आपका इंटरप्रेटर रुक जाता है पाइथन का, और जो भी एरर आया है वो रिपोर्ट करता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो दैट इज ड्यू टू सिंटैक्स एरर, यानी कि जब आपने कोड लिखने में सिंटैक्स बेस्ड पे कोई एरर किया, मतलब आपने इसे मान लीजिए प्रिंट किया, प्रिंट में आपने सिंगल कोट स्टार्ट तो किया राम और क्लोज सिंगल कोट बंद ही नहीं किया, दिस इज अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं, सिंटैक्स एरर वो एरर्स होते हैं जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस में जब कहीं कुछ कमी कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। जैसे कि मान लीजिए सिंगल कोट स्टार्ट होना था क्लोज नहीं किया, ये इंडेंटेशन गलत दे दिया, कोलोन नहीं दिया, ब्रैकेट ओपन किया क्लोज नहीं किया, प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया, मतलब कुछ ऐसे जो आपने रूल्स को वायोलेट करते हैं, यानी कि जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को वायोलेट करते हैं तो रूल्स को वायोलेट करने पे तुरंत वो एरर जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है और आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है। सो आंसर इज बी। नाउ 20th क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम बट हॉल्ट्स एट एरर एंड रिपोर्ट्स द एरर एज एन एक्सेप्शन, यानी कि इनमें से किस तरह के एरर के लिए आपका इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम को तो रन कर देता है लेकिन जैसे ही कुछ एरर आता है उस एरर को एज अ एक्सेप्शन रिपोर्ट करता है कि ये एक्सेप्शन आया। सो दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर नाम से ही क्लियर है, ऐसा एरर जो रन करते हुए नहीं, जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है उस वक्त आता है, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उस समय जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम एरर, उसको हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। उस समय जो प्रॉब्लम आई वो रिपोर्ट कर देगा लेकिन प्रोग्राम तो रन कर रहा था हमारा, है ना। सो दैट इज आंसर नंबर सी। 21, फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम एंड डज नॉट रिपोर्ट एन एरर, वो कौन सा एरर होता है, देखो अब यहाँ क्वेश्चन अलग गया, वो कौन सा एरर होता है जिसमें आपका प्रोग्राम भी रन हो जाता है और जो आउटपुट जो एरर आया वो आपका इंटरप्रेटर उससे कोई मतलब नहीं रखता, एरर आया तो आया, वो कौन सा एरर होता है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है, आपने दो नंबर का इनपुट लिया, ए इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और आपको मैंने कहा था एडिशन का प्रोग्राम लिखने के लिए, आपने कर दिया ए इक्वल टू सी इक्वल टू ए इंटू बी और आपने प्रिंट कर दिया सी को। अब एक बात बताइए, प्रोग्राम में क्या कोई गलती है, क्या सिंटैक्स से रिलेटेड कोई एरर है, नहीं, तो इसमें यानी कि सिंटैक्स एरर नहीं है। क्या इस प्रोग्राम जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो रन करते समय कोई एरर आएगा क्या, नहीं, रन करते समय भी कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम आ गई सिमेंटिक में। सिमेंटिक मतलब आपने कोड जो लिखा था ना वो उस चीज के लिए नहीं लिखा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको चाहिए था, यानी आपने लिखा था प्रोग्राम किसके लिए, आपने प्रोग्राम लिखा था कि मुझे एडिशन चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्राम ने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत एक्शन परफॉर्म करके गलत आंसर दे दिया, लेकिन दिया ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रोग्राम एरर दे दिया, नहीं, आंसर दे रहा है लेकिन आपने लॉजिक गलत लगाया है। इसका मतलब सिमेंटिक एरर का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एरर, यानी आपने जो कोड लिखा है वो कोड क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमेंटिक एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स में 3 डाला वाई में 7 डाला, प्रिंट करता है एक्स इक्वल टू है क्या वाई के। देखिए कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है, चाहे वो ग्रेटर देन है, चाहे वो लेस देन है, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू है, चाहे वो इक्वल टू है, चाहे वो नॉट इक्वल टू है, ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या तो क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स रिटर्न करते हैं। याद रखिएगा ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ प्रिंट करते हैं एक्स बराबर है वाई के, 3 बराबर है 7 के, नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है एक्स में एक्स इक्वल टू 24 प्लस 16, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है 24 भी एक स्ट्रिंग है
और 16 भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट्स में इसको डाला गया है। सो डेफिनेटली जब स्ट्रिंग में प्लस करते हैं तो प्लस इज ट्रीटेड एज वॉज वॉट कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, राइट। सो जब हम कॉनकैटेनेशन करते हैं तो ये हो जाता है 2 4 1 6, ठीक है। जब कॉनकैटेनेशन हम करते हैं तो साथ दोनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाते हैं बिना किसी स्पेस के, तो 2 4 1 6 विल बी द राइट आंसर। सो 23rd क्वेश्चन का आंसर है बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के बाद क्या आपको जो है वो आउटपुट आएगा। एक्स में 8 डाला, वाई में 6 डाला। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, 8 जो है वो 6 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 8 तो 6 के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा। ट्रू, ट्रू मतलब यस। ये आपने जो आप जो बोल रहे हैं, जो कंडीशन आप लगा रहे हैं वो सही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। एक्चुअली हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ ना कि सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, और इतनी मेहनत पे थोड़े जब व्यूज कम आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। लेकिन वही है कि वो कहा है ना, कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मतलब डू योर पार्ट ऑफ जॉब, बाकी तो भगवान के लिए छोड़ दो। तो चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, हम अपने पार्ट की काम मेहनत करते हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियोस को, अगर आपको सच में अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू पीपल आर ऑल माई ओनली होप, है ना। आप ही लोग मेरे जो है सिर्फ और सिर्फ होप हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू 83, वाई इक्वल टू 57। अब एक्स बड़ा है वाई से, 83 बड़ा है 57 से, बिल्कुल सही बात है, ट्रू इज द आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट। एक्स में डाला ट्रू बुलियन वैल्यू, वाई में डाला फॉल्स बुलियन वैल्यू, और एंड के साथ जोड़ दिया एक्स एंड वाई। तो एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो फॉल्स दूंगा। तो एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स इज गोइंग टू बी व्हाट, फॉल्स, क्योंकि एंड में आप जो कुछ भी देते हैं वो सबका सब ट्रू होना चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट। माई स्ट्रिंग है मल्टीप्लाई, देखिए स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई जो होता है ये होता है रेप्लीकेशन ऑपरेटर। दिस बिकम्स व्हाट, रेप्लीकेशन ऑपरेटर, यानी कि ये रेप्लीकेट करता है खुद को, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार। तो माई को 3 बार रेप्लीकेट करेगा, माई माई माई। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स। अगर हम एक्स में 18 डालते हैं, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ और आपने इनपुट में मान लीजिए 18 डाला, तो ऑब्वियसली एक्स में क्या चला जाएगा, 18 चला जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 18 का डेटा टाइप क्या होगा, तो 18 का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि जो भी इनपुट फंक्शन के जरिए इनपुट होता है, चाहे आप कुछ भी इनपुट करें, दैट इज इन द फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ व्हाट, एसटीआर, ऑलवेज, हमेशा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 आउटपुट पूछ रहा है फिर से। एक्स एक लिस्ट बना रहा है, तो एक्स नाम का एक लिस्ट है ना, और यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी, इसकी इंडेक्सिंग 1 हो जाएगी, इसकी इंडेक्सिंग 2 हो जाएगी। तो कहते हैं वाई में क्या डाल दो, तो एक्स का 1 प्लस एक्स का 2, यानी मंडे और ट्यूजडे, प्लस कॉनकैटेनेशन है, यानी मंडे ट्यूजडे एक साथ आ जाएगा। तो देख लीजिए मंडे ट्यूजडे कौन सा, यही तो है मंडे ट्यूजडे एक साथ, ठीक है। सो 29 का ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ स्पेस है इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉनकैटेनेशन में कोई स्पेस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखिए नेस्टेड लिस्ट है, दिस इज व्हाट, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम नेस्टेड लिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट जो बना वो ऐसा बना, 0.0, 1.0 और 2.0, ठीक है। फिर ये बना 4.0, 5.0 और फिर व्हाट, 6.0। इंडेक्सिंग क्या होती है इसकी, 0, 1, 2 ये कॉलम की हो गई और 0, 1 ये रो की हो गई, ठीक है। आप कहता है एक्स के 1 का 2, तो देखिए 1 का 2 मतलब पहले रो नंबर लीजिए, तो ये है 1 और ये है 2, तो 1 का 2 जो निकलेगा, तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या निकल के आएगा, 6.0। ये देखिए, अगर ये देखिएगा तो ये 0 है, तो 0 का 0 ये क्या होगा, 0 का 1, ये क्या होगा, 0 का 2, ये क्या हो गया, 1 का 0, ये क्या होगा, 1 का 1 और ये क्या होगा, 1 का 2। सो 1 का 2 इज व्हाट, 6.0। सो राइट आंसर विल बी 30th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट विल बी द आउटपुट। कहता है कि एक्स में, ये तो एक्स बना दिया और उसमें अपेंड कर दो ए को, सॉरी 1 को, तो 5 4 3 2 और लास्ट में 1 अपेंड हो जाएगा, क्योंकि अपेंड फंक्शन क्या करता है, दिए गए एलिमेंट को लास्ट में एड ऑन करता है। तो 5 4 3 2 1, जब आप एक्स को प्रिंट करेंगे तो
तो एक्स जो है वो ऐसे नहीं प्रिंट होगा, एक्स जो है वो एज अ लिस्ट प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा आपने एक्स ही प्रिंट कर दिया, तो इट विल बी प्रिंटेड एज अ लिस्ट। तो ये गलत ऑप्शन है। राइट आंसर इज व्हाट? डी, 5 4 3 2 1, एंड दैट टू इन लिस्ट फॉर्मेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32? व्हाट विल बी द आउटपुट? ये है एक्स आपके पास, तो एक्स में क्या डाल दिया इन्होंने? 5 4 3 और 2, इंडेक्सिंग 0 1 2 3। आप कहते हैं एक्स में इंसर्ट करो। देखो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं लिस्ट के, ये सारे क्या हैं? लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन है। चाहे आप रिमूव यूज कर रहे हो, चाहे आप इंसर्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप पॉप यूज कर रहे हो, सारे बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बने बनाए फंक्शन है जिनका पहले से बना बनाया काम है। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? दिए गए इंडेक्स पे, तो दिए गए इंडेक्स 1 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या डाल दो? 0 डाल दो। तो यहाँ पे जब 0 डालेगा तो बाकी सारे एलिमेंट को एक एक पोजिशन क्या करेगा? राइट शिफ्ट कर देगा, और री इंडेक्सिंग खुद से हो जाएगी, और आपका जो नया एलिमेंट होगा वो ये होगा 0 1 2 3 4। तो 5 0 4 3 2, 5 0 4 3 2 स्ट्रिंग लिस्ट फॉर्मेट में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ये है आपका एक लिस्ट, कहता है रिमूव कर दो 2 को, तो 2 कहाँ? यहाँ है ना, रिमूव कर देगा, क्या बच जाएगा? 5 4 3, 5 4 3 बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। व्हाट विल बी द आउटपुट? कहता है एक्स डॉट पॉप। पॉप एक ऐसा फंक्शन है जो अगर आप सिर्फ नॉर्मली बिना किसी वैल्यू को यहाँ दिए हुए एग्जीक्यूट कीजिएगा तो वो क्या करता है? सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। तो अगर आप ऐसे करते एक्स डॉट पॉप, सिर्फ ये करते तो 1 आंसर आता, लेकिन जब आप यहाँ बीच में ये प्रोवाइड करते हैं नंबर, तो दिस इज इंडेक्स, यानी ये इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स क्या होगा? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4 है। तो कहते हैं 3 को इंडेक्स हटाना है, तो क्या हटाना है? 2 हटाना है। तो जब आप उस एलिमेंट को हटाएंगे, प्रिंट करेंगे जो हट रहा है, तो वो सेकेंड यानी 2, 2 हट रहा है ना, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, एक्स में ये है, और एक्स में ही एक्सटेंड कर दे रहा है एक्स को, यानी इस एक्स लिस्ट, ये एक्स नाम का एक लिस्ट इसने बना दिया, और इस एक्स नाम के लिस्ट को ही एक्सटेंड कर दे रहा है, और खुद से ही एक्सटेंड कर रहा है, यानी 5 4 3 2 1 इसमें है, और फिर से दोबारा 5 4 3 2 1 क्या कर देगा? ऐड कर देगा। एक्सटेंड मतलब एक लिस्ट के लास्ट में दूसरे लिस्ट को एड ऑन कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्या करता है? देखिए एक्स में आपने डाला 5 4 3 2 1, रिवर्स का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा कर देना। तो 5 4 3 2 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है, हाँ जी है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ये एक्स में वैल्यू है और शॉर्ट कर दीजिए। तो जब भी हम शॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, शॉर्ट फंक्शन क्या करता है? जो आपका लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 11 14 25 53 और 62, 11 14 25 53 और 62, सो ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एक्स में ये वैल्यू है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 और 4, कहता है एक्स को रिवर्स कर दो। अभी हमने तुरंत किया, बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस में चले आओ। 15 संडे 53 टुडे 25, 15 संडे 53 टुडे और 25, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कहता है एक्स में ये वैल्यूज हैं और एक्स डॉट काउंट। तो काउंट मेथड क्या करता है? किसी भी दिए गए नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको बताता है। व्हाट इट परफॉर्म्स? तो काउंट फंक्शन गिव्स अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन नंबर, यानी 25 कितनी बार आया है एक्स में। तो एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 3, सो 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कहता है एक्स एक ये लिस्ट है, अब आपको लेन फंक्शन। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन लिस्ट के फंक्शन से हैं, लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन से। इसका मतलब एग्जाम में आपको लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन से आउटपुट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स हैं। सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है आउटपुट? देखो मैक्सिमम, सो इसलिए कहा जाता है कि लिस्ट हो, ट्यूपल हो, ठीक है, स्ट्रिंग हो या डिक्शनरी हो, इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आउटपुट बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आउटपुट बेस्ड आते हैं, तो इसलिए इसमें इस चैप्टर का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें फंसते हैं नो डाउट, लेकिन पता होगा तो नहीं फंसेंगे ऑब्वियसली। अब एक्स में आपका ये लिस्ट है, मुझे कैसे पता चल जाता है ये लिस्ट है? ये ब्रैकेट मैंने आपको बताया ना, ये ब्रैकेट है इसका मतलब ये लिस्ट है, ये ब्रैकेट है मतलब ये ट्यूपल है, ये ब्रैकेट है मतलब ये क्या डिक्शनरी है, और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स है मतलब स्ट्रिंग है। ये याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये लिस्ट है
और इसीलिए इसमें आप म्यूटेबल कर पा रहे हैं, यानी इसके एलिमेंट को आप चेंज कर पा रहे हैं। अगर ये ट्यूपल होता तो आप इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर पा देंगे, क्योंकि ट्यूपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो एलिमेंट डाल दिया ना, उसमें आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होता है। अब हम कहते हैं डेल एक्स का 3, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, 25 हो जाएगा खत्म। अब 25 35 53, 25 35 53, 52 35 25, 52 35 25, सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डिलीट हो जाने के बाद वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 42 एक्स ये है, कहता है डेल कर दो सेकेंड इंडेक्स से लेके सेकेंड तक ही, क्योंकि 3 दिया है ना, तो जो वैल्यू देता है उससे एक पहले तक जाना होता है। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 ये इंडेक्सिंग होगी। कहता है 2 से लेके 2 तक की इंडेक्सिंग को डिलीट कर दो, तो 2 से लेके 2 तक मतलब सिर्फ 6 को डिलीट करना है। तो 5 2 5 3 2 4 0 1, 5 3 2 4 0 1, सो बी इज गोइंग टू बी व्हाट द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है, व्हाट विल द आउटपुट। एक्स में ये डाल दिया, कहता है डेल कर दो, डिलीट कर दो 0 से लेके 6 तक, 7 है ना, तो 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, तो 0 से लेके जब 6 तक डिलीट करने की बात आती है तो सारे एलिमेंट्स ही डिलीट हो गए हैं। तो और जब सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए तो आपके पास क्या बचेगा, ब्लैंक लिस्ट, यानी कि कोई एक लिस्ट है उसमें से आपने सारा एलिमेंट डिलीट ही कर दिया, तो जब सारा एलिमेंट डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा वहां पे, ब्लैंक लिस्ट ही तो बचेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक्स ये है, कहता है वाई इक्वल टू एक्स के 0 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और एक्स के 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वाई में डाल दो। तो ये देखो, ये 0 इंडेक्सिंग होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, तो 0 मतलब 4 और 1 मतलब 0 है ना, तो 4 और 0 को जब प्लस करेगा यानी कॉनकैटिनेट करेगा, तो 4 और 0 कॉनकैटिनेट होकर क्या बनेंगे, 40 बनेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में प्लस का मतलब कॉनकैटिनेशन होता है, और कॉनकैटिनेशन मतलब जोड़ देना, सो सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स, एक्स का डेटा टाइप क्या होगा। हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू दिस, सिंगल कोट्स है ना, इतने देर से तो मैं बता रहा हूँ, सिंगल कोट्स हो डबल कोट्स हो वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स, फिर से वही सी चीज, सिंगल कोट्स है ना, अच्छा सेम, ओके। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हो ना कि पाइथन है तो ये कैरेक्टर्स है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, आप बोलो तब कंफ्यूजन नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ये कैरेक्टर से तो क्या कंफ्यूजन होगा, तब तो स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग होगा। यहाँ कंफ्यूजन होगा कि आपने देखा कि 551 डाला, ठीक है, तो 551 तो नंबर है तो आप इंटीजर हो सकते हो। अब ऑप्शन में मैंने गलत डाला, मुझे ऑप्शन में एक इंटीजर भी डालना चाहिए था ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकूं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक्स में जो है वो क्या है, सिंगल कोट्स है, तो सिंगल कोट्स हमेशा जब भी होता है चाहे आप कोई वैल्यू कोई भी डालो, इंटीजर ही डालो, तो भी वो एज अ कैरेक्टर, एज एन अल्फा, एज एन स्ट्रिंग ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। 47 एक्स इक्वल टू दिस क्या डेटा टाइप होगा, तो ये देखते ही आप बता दो भैया, ये जो है ना ये बस देखते ही बता दो ये क्या है, लिस्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखते ही बता दो ये क्या है, डिक्शनरी है। व्हाट विल बी द डेटा टाइप, तो ये डिक्शनरी है। फिर वैसे ही आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, यानी मान लो मैं ए इक्वल टू 5 करता हूँ और मुझे ये जानना है कि ए किस टाइप का है, तो ए का टाइप जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, टाइप फंक्शन होता है, यानी टाइप ऑफ ए जब हम करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर, यानी कि क्या है, इंटीजर टाइप का है, सो टाइप फंक्शन है इसमें, हाँ है ये। पाइथन के बारे में क्या कहा जाता है बच्चा, पाइथन के बारे में कहा जाता है ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल लो है ना, उसमें वैल्यू डालो, जो वैल्यू डाला ना उसके हिसाब से इस वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाएगा। जैसे ए लिया आपने इसमें 5 डाला, तो अब ए अपने आप क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ए लिया आपने इसमें राम डाला सिंगल कोर्स में, तो ये ए अपने आप जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। आपने मतलब जो वैल्यू डाला ना 10.5 डाला, अब ये अपने आप फ्लॉट हो जाएगा, यानी डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पाइथन में हम सीधे वेरिएबल का नाम लेते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, जिस वैल्यू जो वैल्यू हम असाइन करते हैं उस वैल्यू के हिसाब से उसका डेटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। एंड दिस इज आवर हाफ सेंचुरी क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स में डाला 24 50 और 37, कहते हैं वाई 24 इन एक्स, यानी कि क्या एक्स में 24 है, हाँ जी है, तो वाई में ट्रू जाएगा, तो जब वाई प्रिंट कीजिएगा तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू, यानी कि ये इन जो होता है वो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। व्हाट इज इन, इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर,
और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, वो ये देखता है कि कोई दिए गए वैल्यू में कोई दिया गया वैल्यू है कि नहीं है। तो इसमें 24 है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। तो इसीलिए जब हमने देखा वाई में स्टोर किया तो हमने क्या स्टोर कर लिया, ट्रू स्टोर हमने नहीं किया, कोड के अकॉर्डिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ये क्या हो गया, डिक्शनरी है ना। कहता है बी इन एक्स, क्या एक्स में यानी इस लिस्ट में सॉरी डिक्शनरी में बी है, नहीं कैपिटल बी है, स्मॉल बी तो नहीं है, तो वाई में क्या कंटेंट होगा, फॉल्स है क्योंकि वैल्यू है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, ये डिक्शनरी है, इसमें हमने क्या डाला, की डाला वैल्यू डाला, की डाला वैल्यू डाला है ना। तो मतलब जो हमारा बना वो ऐसा बना 4, 8, 16 और 32, और इसके जो वैल्यूज बने वो सॉरी इंडेक्सेस बने 0, 1, 2 और 3 बने। कहता है एक्स डॉट कीज, बेटा ये होता है कीज, ये होता है 0, 1, 2, 3, इन्हीं को कीज कहते हैं यूजुअली। हम अपने मतलब मैं जब पढ़ाया हूँ हमेशा मैंने इसको इंडेक्स बोला है, लेकिन डिक्शनरी में इसी इंडेक्स को क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। तो जब कीज को प्रिंट करेंगे तो जो ये कीज प्रिंट होते हैं वो भी एज अ लिस्ट प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 0, 1, 2 और 3, इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, यानी डिक्शनरी की जो कीज हैं वो ये होंगे, कौन कौन से, 0, 1, 2 और 3। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है डिक्शनरी के कीज को प्रिंट करने का, और जो डिक्शनरी के कीज प्रिंट होंगे वो लिस्ट के फॉर्मेट में क्या होंगे, प्रिंट होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या कहता है, फिर से वही एक एक्स नाम का डिक्शनरी बना, एलिमेंट्स क्या गया उसमें, 4, 8, 16 और 32, इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, ठीक है। और कहता है क्या, प्रिंट करो लिस्ट फॉर्मेट में एक्स के वैल्यूज का 2। तो देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यूज ले लो, तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगे, 4, 8, 16 और 32, उसको कन्वर्ट करो लिस्ट में। तो 4, 8, 16 और 32 को जब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में, तो ये लिस्ट बन गया, इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 हो गई। और उसके 2 वाले को, तो उसका 2 वाला कौन सा है, 16 है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ए इक्वल टू राम श्याम सीता गीता, और ए को आपने कर दिया शॉर्ट। तो जब हम स्ट्रिंग को शॉर्ट करते हैं, याद रखिएगा सारा का सारा स्ट्रिंग होना चाहिए या सारा का सारा नंबर्स होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर और स्ट्रिंग को मिक्स कर दीजिएगा और जब तब शॉर्ट कीजिएगा तो वो देगा एरर, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा होने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप राम श्याम सीता गीता दे रहे हो तो ये किसके ऑर्डर पे शॉर्ट होगा, अल्फाबेटिक यानी कि ए टू जेड के फॉर्मेट में क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब एबीसीडी देख लीजिए, ABCDEFGH, तो जी आया तो पहले गीता आया, GHIJKLMNOPQR आर आया, तो सीता गीता बाद क्या है, राम आया, ठीक है। एस तो एस भी है और यहाँ पे भी एस भी है। अब एच से कंपेयर कीजिए कि एच में और आई में क्या आएगा, तो ABCDEFGH, तो पहले श्याम आएगा, तो गीता आया, राम आया, फिर श्याम आया और फिर क्या आएगा, सीता आएगा। सो दिस विल बी स्टोर्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली क्या करेगा, ये स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और दिस इज 55th क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स में आपने डाला पाइथन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और आप प्रिंट करते हो फॉर आई इन एक्स, यानी आई ऑटोमेटिकली पहले पी होगा, फिर वाई होगा, फिर टी, फिर एच, फिर ओ और फिर एन, खत्म अपने आप। इन मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब एक एक करके उस लिस्ट के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर, उस डिक्शनरी के अंदर जाइए, और कहता है हर बार प्रिंट कीजिए लेकिन एंड इक्वल टू ब्लैंक। आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा नए लाइन में प्रिंट करता है, इसीलिए हमने कहा एंड इक्वल टू ब्लैंक, मतलब आप अपने मर्जी से हर बार नया लाइन प्रिंट नहीं करोगे। तो आई पहली बार पी प्रिंट करेगा, फिर अगली बार वाई प्रिंट करेगा, फिर ए टी, फिर एच, फिर ओ एन, और ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग पाइथन। पाइथन का पी कैपिटल है, ये देखिए स्मॉल, इसलिए ये नहीं होगा, डी विल बी द राइट आंसर। सो यस दिस इज द दिस नॉट इज दिस वॉज हमने टोटल 55 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के कर लिए, जो लिस्ट से बेस्ड था, जो ट्यूपल के बेस पे था, जो स्ट्रिंग के बेस पे था और जो डिक्शनरी के बेस पे था, जो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब इस 55 क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स आए हैं ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन, ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, दूसरी वीडियोस में हम और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स पे पाइथन के एमसीक्यूज को लेके आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो के लिए
बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।